तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो फॉर्म भरने का डेट है वो 12 मार्च से है। तो 12 मार्च यानी कि आज से है। तो आपको जो है फॉर्म भरना, उससे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज से रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके चले आना। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसको हम रजिस्ट्रेशन पर्ची बोलते हैं, उसके थ्रू ही, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके थ्रू ही आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए, मैं इसे एक पेपर का जो आज न्यूज आई हुई मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए, यह दिया गया है स्नातक पार्ट वन का फॉर्म भरा जाएगा। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म गुरुवार 12 मार्च से भरा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 मार्च जो है अभी तक साइट नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप उसको फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 12 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा। आज से ही फॉर्म भरने का डेट जो है चालू है, लेकिन लास्ट डेट नहीं दिया गया है। लास्ट डेट मैक्सिमम जो है 7 डेज का दिया जाता है, हो सकता है तो एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन आज से जो है आपको फॉर्म भरना चालू हो चुकी है 12 मार्च से। उसमें दिया गया केवल निबंधित छात्र ही फॉर्म भर सकें। जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्हीं छात्र जो है, वहीं स्टूडेंट्स जो है आप फॉर्म भर सकते हो, या आप ही को जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा। तो विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है लेकिन वे रजिस्ट्रेशन पर्ची प्राप्त नहीं कर सके हैं, वो 11 मार्च के बाद कॉलेज से अपनी पर्ची जरूर ले लें। तो जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं, बट आप जो अभी तक रजिस्ट्रेशन पर्ची, जिसको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ एक रजिस्ट्रेशन स्लिप किस टाइप का होता है, वो मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आई बटन, वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो वो रजिस्ट्रेशन पर्ची जो आपको कॉलेज से लेकर के आना है, और वो रजिस्ट्रेशन पर्ची के थ्रू ही आपका जो है आपका फॉर्म, एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन का यूज पड़ेगा आपको फॉर्म भरते समय। तो कॉलेज से अपनी पर्ची जरूर ले रहे, और आज से जो है 12 मार्च से आप लोगों को फॉर्म भरना चालू हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।